गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, शारीरिक शिक्षा विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय सुखाबाद। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पीए थर्ड ईयर फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्सों के लिए किनेसियोलॉजी एंड बायोमैग्नेट के बारे में। जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि हमने जो है पहली यूनिट का जो है सो अभी आरंभ किया था, स्टार्टिंग की थी, और उसमें हमने जो है एक्सेस और प्लेन के बारे में अच्छी तरह से बताया था। उससे पहले हमने जो है उसके जो मीनिंग डेफिनेशंस हैं, रोल्स हैं, उसके बारे में बताया। तो आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट एंड एक्शन ऑफ द पेक्टोरिस मेजर मसल्स। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक है हमारा, इसमें हम बाकायदा देख सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट एंड एक्शन ऑफ द पेक्टोरिस मेजर मसल्स। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये सिलेबस के बेस्ड है, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस ही हमारा जो है मेंटेन्ड है। और जितने भी हमारे जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आदर्श कृष्ण डिग्री कॉलेज महाविद्यालय सुखाबाद के, जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी अपने इस स्लाइड को शेयर कर दें सभी छात्रों के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो छात्र हैं जो बीए थर्ड ईयर में हैं फिजिकल एजुकेशन जिनके पास सब्जेक्ट है, वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मांसपेशी है जो पेक्टोरिस मेजर है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, पेक्टोरिस मेजर एनी ऑफ द मसल्स, दो प्रकार की मांसपेशियाँ होती है, पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनर। ठीक है, एनी ऑफ द मसल्स दैट कनेक्ट द फ्रंट वॉल ऑफ द चेस्ट, कहाँ पर पाई जाती है, ये फ्रंट वॉल ऑफ द चेस्ट से पाई जाती है। ठीक है, विद दी बोन्स ऑफ अपर आर्म एंड शोल्डर, है ना, ये अटैच रहती है शोल्डर की अपर आर्म जो है बोन से और अपर आर्म की बोन से। और इसमें दो प्रकार की मांसपेशी होती हैं, है ना, दो साइड होती हैं, एक साइड होती है स्टर्नम और दूसरी साइड होती है इसमें जो है शोल्डर साइड। ठीक है, स्टर्नम होती है हमारी जो है बैक बोन, जो सॉरी ब्रेस्ट बोन, जिसको हम ये हम देख सकते हैं, ये जो हमारी बीच में बोन है इसको हम ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, या फिर जो है छाती की हड्डी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पुरुस्थी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हम ये देख सकते हैं इसके जो हमारी पेक्टोरिस मेजर मांसपेशी है, ठीक है, ये जो है पेक्टोरिस माइनर के जस्ट ऊपर होती है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो मांसपेशी हमारी है ना, ये हमारी पेक्टोरिस मेजर मांसपेशी है, जबकि ये दूसरी साइड में ये जो मांसपेशी है ना, ये पेक्टोरिस माइनर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो अटैचमेंट की बात चलती है कि इसका अटैचमेंट कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में भी देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो है देख पा रहे हैं हमारी जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो पेक्टोरिस मेजर है मांसपेशी है वो लार्जर होती है, बड़ी होती है और सुपरफिशियल होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है ना। और ये निकलती कहाँ से है, क्लेविकल बोन से निकलती है ये, है ना, और स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम से निकलती है। ठीक है, इसका जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है वो कहाँ कहाँ पर है, एक तो क्लेविकल बोन पर है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है स्टर्नम के पास में है, स्टर्नम पर है, और तीसरा हमारी रिब्स में है। ठीक है, और एक हमारी टेंडरनेस होता है एक्सटेंशन, वहाँ भी इसका जो है ओरिजिन है। और इसका कुछ है ऑब्लिक एब्डोमिनल जो मांसपेशी होती है हमारी, है ना, उसमें भी ये जो हमारा पार्ट है वो पाया जाता है ऑब्लिक एब्डोमेन में। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये जो मांसपेशी है उसका डिस्टल अटैचमेंट कहाँ होता है, डिस्टल अटैचमेंट का मतलब ये कहाँ पहुँचती है। ठीक है, ये हमारे प्रॉक्सिमल अटैचमेंट हैं, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक वाले, है ना, कौन से नज़दीक वाले होंगे, ये नज़दीक वाले, ये जो है ये हमारी बॉडी है, ये जो मांसपेशी है यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या हो गई, क्लेविकल बोन हो गई। ठीक है, क्लेविकल बोन कौन सी होती है, जिसे हम हसली बोलते हैं। ठीक है,
दूसरी हमारी स्टनम हो गई, ये वाली जो मांसपेशी हमारी ये कौन सी है, स्टनम है, सॉरी बोन है, हड्डी है, वो कौन सी है, स्टनम है। और नीचे जो है ये हमारी रिब्स हैं, और रिब्स के जो हमारे कोस्टल कार्टिलेज हैं यहाँ भी जुड़ी होती है। और ये मांसपेशी हमारी यहाँ पर पाई जाती है इंटरनल ऑब्लिक, है ना, एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल्स, तो हम यहाँ पर इससे अटैच रहती है। और दूसरी तरफ जो है ये इसका जो डिस्टल अटैचमेंट है वो कहाँ होता है, ह्यूमरस बोन पे, है ना, कहाँ होता है, ह्यूमरस बोन पे, है ना, रिज एट द रियर ह्यूमरस, कहाँ पाया जाता है, रिज एट द रियर ह्यूमरस बोन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जो है क्लेबुलर हेड ऑफ द सॉरी इंटरट्यूबुलर ग्रूव, इसको क्या बोलते हैं, इंटरट्यूबुलर ग्रूव बोलते हैं, ठीक है, जहां पर ये अटैच रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का तो ये दो चीज इसमें देखने वाली हो गई, प्रोक्सिमल अटैचमेंट क्या होता है और इसका डिस्टल अटैचमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी हम इसके एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके एक्शन कहाँ कहाँ है और क्या क्या ये एक्टिविटी हमारी करती है ना। इसका जो मेजर एक्शन है वो है हमारा एडक्शन, ठीक है, एडक्शन मैंने आपको बताया था, एडक्शन का मतलब क्या होता है, हमारी जो मांसपेशी है, जो हमारा हाथ है उसको पास लेकर के आना, जो हमारे बॉडी है हाथ को हम अगर दूर की तरफ ले जाएं तो उसको पास लेकर के आना, ये हमारा एक इसका एक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके दूसरे एक्शन की तो उसको हम डिप्रेशन भी बोलते हैं, है ना, मैंने आपको कल बताया था डिप्रेशन का मतलब होता है कंधों को नीचे की तरफ झुकाना, ठीक है। और इसमें आर्म में जो है अपोजिशन और इसका डेल्टेनियस मसल्स में जो इसका एक्शन ये शामिल है, ठीक है। दूसरा हमारा जो रोटेशन है, कौन सा रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन, है ना, वो भी इसका एक बॉडी पार्ट है। और ये कौन से अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, है ना, जिस समय हम जो है माउंटेन क्लाइंबिंग में अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, है ना, तो ये भी इसका जो है कार्य है, ये इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरा ये इसके साथ साथ क्या है, लेटेस मस टॉर्सी जो हमारी मांसपेशी होती है ना, जो हमारे पीछे की तरफ पाई जाती है उसको ये असिस्ट करती है ना, क्योंकि लेटेस मस जो डॉर्सी मांसपेशी है उसका कार्य भी ऊपर की तरफ खींचना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचना होता है। सेम टेरेस मेजर में मांसपेशी है वो भी ये पुलिंग के लिए यूज होती है ना, या ट्रकअप के लिए यूज होती है। और जो पेक्टोरिस माइनर मांसपेशी है वो जस्ट पीछे होती है पेक्टोरिस मेजर के, है ना, जो कि मिडिल रिब्स में पाई जाती है ना, और ये स्कैपुला को अटैच करती है, और शोल्डर जो ब्लेड होता है वो इससे जुड़ा रहता है ना। इट एडेड एंड ड्रॉइंग और शोल्डर फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये क्या एक हेल्प करती है जो हमारे शोल्डर को आगे की तरफ ले जाने में और पीछे की तरफ ले जाने में, है ना। तथा ये जो है अपोजिशन जो करती है माई मांसपेशी, ट्रेपीजियस मांसपेशी, अपोजिशन एक मूवमेंट होता है उसके लिए भी ये जो है हेल्पफुल रहती है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये हमारी जो मांसपेशी है ये है पेक्टोरिस मेजर और ये हमारी माइनर। हम जहाँ बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पेक्टोरिस मेजर के बारे में बात कर रहे हैं, न कि माइनर के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिन है स्टर्नम और क्लेविकल पर, ये हमारा स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, और इसका जो इंसर्जन है वो ह्यूमरस रिब्स पर है, ह्यूमरस पर है, ठीक है। ये जो ह्यूमरस बोन है यहाँ हमारा इसका स्टर्नम है जो है इंसर्जन है, ठीक है। इसको हम जो हमारा इंसर्जन होता है उसको हम प्रोक्सिमल अटैचमेंट कहते हैं, और जो ओरिजिन होता है उसको हम जो है सॉरी ओरिजिन को बोलते हैं प्रोक्सिमल अटैचमेंट, और डिस्टल अटैचमेंट बोलते हैं इंसर्जन को, ठीक है, जहाँ ये पहुँचती है, ठीक है। एक्शन में क्या क्या शामिल होता है, इसमें शोल्डर का फ्लेक्शन कर सकती है, ये मांसपेशी क्या करती है, शोल्डर फ्लेक्शन कर सकती है, ठीक है, हॉरिजेंटल शोल्डर फ्लेक्शन कर सकती है, ठीक है, अपवर्ड एंड डायगोनल फ्लेक्शन कर सकती है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायगोनल फ्लेक्शन कर सकती है। ये हमारे इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, जो इसमें शामिल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम देख सकते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हमारे लिए, है ना, उसमें क्या है कि हम जो है अपने जितने भी हमारी मांसपेशियां होती हैं उन सब के जो तीन टॉपिक हैं उनके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यही उसमें दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार की मांसपेशी जो होंगी उनके प्रोक्सिमल अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट और एक्शन के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो अब के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में देखिएगा दूसरी मांसपेशी।
धन्यवाद।